हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल रंगवानी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और नवरात्रि चल रही है तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से मेरा न्यू शूट स्टार्ट हुआ है जिस फिल्म का नाम है वैदेही, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है वीरू ठाकुर और अच्छे फ्रेंड है मेरे। और मैं जब से नहीं आई थी तब से मैं जानती हूँ। तो वीरू ठाकुर इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और उन्होंने स्टोरी भी लिखी है। मैं उनसे मिली थी जब वो राइटर थे, स्टोरी राइटर थे, बट अब डायरेक्टर बन गए हैं। बहुत खुशी हो रही है। और अभी ब्रेक हो चुका है और आज अभी जस्ट मैं सीन करके आई हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो हर एक चीज़ प्रिपेयर करने में टाइम लग गया। तो मुझे चूड़ी का सेट बनाना था और चूड़ी नहीं थी मेरे साइज़ की, तो इस वजह से मैं लेट हो गई आज चूड़ी की वजह से। और एज यूजुअल मेरा ये घूंघट वाला लुक आप सब तो वाकिफ है ही। ये परमानेंट हो गया है। और ये मेरा मंगलसूत्र, जो कि यहाँ पे अलग पेंडेंट था बट वो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था। उसमें मोती थे और स्टोन्स थे पिंक कलर के, तो रियल टाइप नहीं लग रहा था, स्टाइलिश लग रहा था बहुत। तो मुझे थोड़ा सा घर वाला फीलिंग देना था, गांव वाला नहीं, मतलब घर की जो बहू होती है, संस्कारी बहू, सो वैसा वाला लुक देना था। और मैं बड़े घर की बहू दिखाई हूँ बट मैं गरीब हूँ, ऐसा कुछ है कैरेक्टर, बट बड़े घर की बहू हूँ तो कुछ अच्छा मिला है ऐसा। तो मैंने दूसरे मंगलसूत्र का पेंडेंट मैंने इसमें डाल दिया, जो कि खूबसूरत लग रहा है अब। और सिंदूर परमानेंट सिंदूर है जैसे आपको पता ही है। और है मेरी रिंग्स तो परमानेंट है, ये चूड़ियाँ इस बार मैंने चेंज करी हैं क्योंकि मेरे साइज़ की चूड़ियाँ मिल भी नहीं रही थी 2-10, तो ये मेरी है छोटी छोटी, बट ये अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है मुझे तो। और इस फिल्म में जो मेरा पहला सीन है वो शादी के बाद मेरा पहला सीन दिखाया गया है, तो ये मेहंदी जो बहुत चिपचिप कर रही है, मेरा मोबाइल जो पूरा है उसका कवर पूरा रेड रेड हो चुका है, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी बाद में आपको। और मैंने पहनी है एक रिंग, मुझे ज़्यादा रिंग्स पसंद नहीं है तो मैंने ये वाली रिंग पहनी है, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं। ये झुमके हैं जो मुझे एक परमानेंट एक लुक लेना होता है कि मैं एक ही ज्वेलरी पहनूंगी, सारी चीज़ें बस एक ही रखूंगी स्टार्ट टू एंड तक पूरे फिल्म में, तो मुझे ज़्यादा चेंज करना मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर साड़ी के साथ अलग ये देना है, बैंगल्स अलग देनी है, इयर रिंग्स अलग देना है, मंगलसूत्र तो वही रहेगा ऑब्वियसली, रिंग चेंज करनी है या जो भी है कुछ भी, बस बिंदी और अब मेरे ड्रेसेस जो है वो चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेगा। चूड़ी का मैं सोचूंगी इस बार चेंज करना है या नहीं करना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि रेड चूड़ी तो सारी साड़ीज में अच्छी लगती है, सुहागन औरतें तो पहनती हैं रेड और ग्रीन, तो मैं ग्रीन तक पहन सकती हूँ, रेड पहन सकती हूँ अगर मेरे साइज़ की चूड़ी मिल गई तो। बाकी ये है पायल, तो मैंने पायल पहनी हुई है, ये जो मैं चलती हूँ तो छुमछुम करता है। बिछिया मुझे नहीं मिली है क्योंकि बिछिया नहीं मिली है, छोटी छोटी थी, बहुत छोटी छोटी, जो दिखती भी नहीं, मेरे पैर इतने बड़े बड़े हैं तो दिखते नहीं इस वजह से। तो मैं अभी फिल्म कर रही हूँ वैदेही और आज फर्स्ट डे है और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में, सबसे मैं आपको रूबरू करवाऊँगी जैसे जैसे मैं सबको मिलूँगी आज। तो अभी मैं अपना लंच कर रही हूँ क्योंकि आज नवरात्रि का फास्ट भी है, तो मैंने आलू बॉईल करवाया है जैसे आप देख सकते हो, आलू बॉयल्ड है, टमाटर है, धनिया है, हरी मिर्च है और ये है शेंगदाना रोस्टेड, तो थोड़ा सा ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ऐसे
से और हल्का सा उसमें नींबू डलवाया है और थोड़ा सा सेंधा नमक बस। तो अभी मैं ये खा रही हूँ, अभी लंच ब्रेक हो चुका है तो सब लोग खाना खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। आई होप कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। और वैसे तो नवरात्रि के पास में हम लोग, मैं तो ज़्यादातर फ्रूट्स और मिल्क ही करती थी, बट शूटिंग चल रही है, गर्मी बहुत है, वीकनेस बहुत हो जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत खाना ज़रूरी है। बीपी लो हो जाता है, वो अलग टेंशन है, इस वजह से ज़रूरी है थोड़ा सा, ऐसा ना हो कि चक्कर खा के गिर जाओ। मेरा नोज़ रिंग परमानेंट है तो ये मेरा लुक है। एक बार मैं खड़ी होकर दिखाऊंगी, ये मेरे फुटवेयर। चप्पल की साइज़ देख के आपको लग रहा होगा मेरा पैर कितना बड़ा है। जी हाँ, वाकई में मेरा पैर बहुत बड़ा है। मैं 41 नंबर का साइज़ का चप्पल पहनती हूँ, 11 नंबर जिसे कहते हैं, 11 नंबर भी लिखा होता है किसी पे और किसी पे 41 लिखा होता है, जो सबसे बड़ा होगा वो। तो बस अभी के लिए इतना, बाकी मैं आपको थोड़ी देर में सबसे मिलाऊंगी। ओके, सो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना दिखाऊंगी लुक। सो अभी आई गेस लाइट नहीं है, यहाँ पे इन्वर्टर चल रहा है तो अंधेरा भी है। ओ फ्लैश, आप सबको दिख रहा है डेली बहू लुक। मेरी मम्मी अब मुझे चिल्लाने लगी है, काजल बहुत हो गया तुम्हारा। बट कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। सो आज मैं सोच रही हूँ, मैं आज मनोज जी का इंटरव्यू नहीं, बट आज उनके साथ हम एक छोटा सा कुछ करते हैं, यूनिक सा। तो मैं अभी उनके रूम में जाऊँगी और मैं सोच रही हूँ इंटरेस्टिंग रहेगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करने जाऊँगी एंड आप सबको मैं दिखाऊँगी और उनके बारे में कुछ जानेंगे हम लोग और उनको क्या चीज़ पसंद है, वो डेली क्या कैरी करते हैं अपने साथ और ये सब चीज़ें। तो मैं आपको दिखाऊँगी और हम डायरेक्ट एंट्री मारेंगे ताकि वो पहले से उस चीज़ को लेके श्योर ना हो जाए कि नहीं मैं अपना मतलब सोच समझ के ना जवाब दे या फिर हर एक चीज़ प्रिपेयर कर ले कि मैं किस तरह से मैंने अपना सारा चीज़ सामान इन और रखा हुआ है, तो वो भी ना, तो ये भी चीज़ ना हो कि उनको पता चल जाए और वो प्रिपेयर हो जाए उस चीज़ को लेके, एकदम फिल्मी वाला ना हो, वो एकदम ओरिजिनल लगे। तो मैं जाऊंगी उनके रूम में, मैं पता नहीं मुझे उनका रूम कहाँ पे है, बट मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर में 2-3 मिनट में पूछ लेती हूँ उनका रूम कहाँ है, तो मैं उस हिसाब से जाऊंगी और आप सबको दिखाती हूँ। सो वेट करो और देखते हैं कि वो अपने साथ क्या क्या चीज़ कैरी करते हैं। ओके, सो सी यू, मिलते हैं उनके रूम में।